लालकुआ में परिवहन निगम द्वारा चालू की गई लालकुआ टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लालकुआ तहसील मुख्यालय होने के बाद भी आज तक क्षेत्र में बस स्टैंड न होने की वजह से आने जाने वाले यात्रियों को बसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर परिवहन निगम ने बस सेवा चालू कर क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा मजाक किया है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामा मिश्रा ने कहा कि लालकुआ नगर ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरों के रूप में देखा जाता है। लगभग 3 लाख की आबादी वाला यह नगर आज भी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा लालकुआ प्रमुख शहरों में एक है, परंतु इस नगर का दुर्भाग्य ही है कि इस नगर में बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका, जिस कारण यहां से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को प्रतिदिन सड़क के किनारे धूप व बरसात कड़कती ठंड के मौसम में खुले में खड़े रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। पहले से मांग है कि लालकुआ में बस अड्डा होना चाहिए और हमारे विधायक जी ने जो बस अड्डा बगैर जो है बस का चालन कर दिया है, जो आज पहली बस दिल्ली के लिए रवाना हुई। लेकिन हमारा कहना ये है कि बस अड्डा अति आवश्यक है, पहले बस अड्डा होना चाहिए, उसके बाद बस का संचालन होना चाहिए। लेकिन चलिए बस का संचालन हो गया, लेकिन अब बस अड्डा के लिए पहल करना चाहिए विधायक जी को, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। सरकार डबल इंजन की बने हो गई और आज जब कतई इंड पर समय आ गया, चुनाव साल आ रहा आगे, तब इन लोग घोषणा कर रहे हैं और उसको बस अड्डा बस को चलाया गया, जो बहुत लेट है। ये बहुत गंदगी फैली चारों तरफ है, इसको देखना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि लोग हैं इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसी गंदगी से महामारी बीमारी फैलने की शंका है। बहुत ही नगर पंचायत को चेतना चाहिए कि अपने प्रयासों की इसकी सफाई व्यवस्था कराएं। सेंचुरी को चाहिए वो भी अपने प्रयास करें, सफाई व्यवस्था को ध्यान दें, जिससे लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। पहले तो बस चलाने के लिए उनको धन्यवाद। दूसरा ऐसा है कि विधानसभा का एक शहर है लालकुआ, और जिस शहर में बगैर बस अड्डे के अगर बस चले तो ये तो बड़ी अजीब सी हास्यास्पद वाली स्थिति है कि बस खड़ी होने के लिए जगह नहीं है तो यात्री बैठेंगे कहाँ? जब बस अड्डा ही नहीं होगा क्या सड़क पर यात्री बैठेंगे या कौन कहाँ यात्री इंतज़ार कहाँ करेंगे? इंतज़ार करने के लिए यात्रियों को जन सुविधाएँ चाहिए वो कहाँ मिलेंगी? तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि बगैर बस अड्डे के बस चलना, और सिर्फ एक दिल्ली बस चल जाने से यहाँ से कई शहरों, क्योंकि ट्रेनें यहाँ से कई शहरों को चलती हैं, लेकिन बस सिर्फ दिल्ली चल के खाली एक औपचारिकता ये सरकार पूरी कर रही है कि हमने एक कार्य किया करके। बाकी ये लालकुआ के बारे में तो ये सबको पता ही है, मालिकाना हक से लेकर सारे मुद्दे गायब हैं और सिर्फ कागज़ों में काम दिखाई दे रहा है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा लोगों को शांत करने के लिए उनका एक बस की यहाँ से हरी झंडी दिखा के शुरुआत कर दी गई है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है।